व्हाट्स अप गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। अक्षय कुमार की एक और मूवी पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने गब्बर इज बैक पे किया था ना, स्पेशल 26, वन ऑफ द बेस्ट मूवी मैं कहूंगा। तो इसके सीन वन पे हम रिएक्ट करने वाले हैं और सीबीआई रेड का है, सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। और भाई साहब जो इस मूवी में स्वाद आने वाला है, जो अनुपम खेर की एक्टिंग थी इसमें, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आए तो आप नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी, तो हम जल्दी अगले दिन ही लेके आ जाएंगे। और अक्षय कुमार ओपी हो जाए एक बार कमेंट में। हाँ। और मूवीज आप सजेस्ट भी कर सकते हो, लाइक करना मत भूलना चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। स्पेशल रिक्रूटमेंट वॉक इन सीबीआई का। अच्छा इंटरव्यू वाला सीन है ना, बहुत फनी होने वाला है, बहुत मजा आएगा भाई साहब इसमें। प्रॉपर ऑडिशन चल रहे हैं, देख रहे हो भैया टावर तोड़। हमारा ईयरफोन मत ले जाओ यार ऐसे, कि गुड़गांव ले जाओगे इस पे लग रहा है ना फिर ये। अब मैं आएगा। हेलो सर, ब्यूरो क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? जी सर। इंटेलिजेंस सीबीआई क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? जवाब दो मैडम। सर हमारी कंट्री में बहुत करप्शन है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। हमारे देश के दुश्मन देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे देश के दुश्मनों को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा सर। यस। आप उखाड़ेंगी? मिलकर उखाड़ेंगे ना सर, थोड़ा आप थोड़ा हम। आई लाइक इट। बढ़िया बोली। आप उखाड़ेंगे सर, क्या बोला यार आप। राजीव गांधी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र एक शब्द है जिसका आशय लिया जाए तो मनुष्यों के एक ऐसे समूह का दृश्य सामने आता है जो उनको नियमबद्ध होकर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसी गणतंत्र को लोकतंत्र भी कहा जाता है। गणतंत्र की यात्रा 37 वर्ष पहले 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फहराकर 26 जनवरी 1950 को आप आ जाएं। 4 बालक कांस्टेबल और 1 महिला कांस्टेबल काफी होंगे जी। रेड कहाँ डालनी है भाई? रेड कहाँ डालनी ये अभी हमें भी नहीं पता, सिर्फ शर्मा जी जानते हैं। अभी तो सफदरजंग पे मिली 15 मिनट में। ठीक है जय हिंद। अरे रेड होगी तगड़ी वाली। अच्छा भूल चुका हूँ, बहुत पहले देखी थी यार ये। हाँ याद नहीं यार इतनी। सर जी देर हो रही है। सुन रहा हूँ। सर जी टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर बोलो तो मैं लीड करूँ। टेंशन क्यों ले रहे? इनकी एक्टिंग बहुत लाजवाब है, इसलिए तो नर्वस। देश के आगे मिनिस्टर क्या चीज है? क्या बात है क्या? जी कर लिया। 15 मिनट में सफदरजंग पहुंच रहे हैं। बोलो ऐसा ही कौन है? रणवीर सिंह। किमी शेरगिल इसका इसके असिस्टेंट हो गया है नाम, वो बहुत तगड़ी एक्ट्रेस है। जो डंडा कहां है मेरा? ऐसे कुछ है नाम। हां बहुत बड़े एक्टिंग है। पुलिस कार में ले गए साथ में पुलिस। बैकग्राउंड म्यूजिक सही दिया हुआ है, फुल वो एडवेंचरस। पुलिस भी और साथ में मार्को कुछ नहीं बोल रहा है। वाह सीरियस माहौल चल रहा है क्या? दंगे हो सकते हैं। कौन सी? लाल बत्ती।
जना बोला नहीं कुछ तस्मे खुले जी आपके ये तो मंत्री जी चलिए अब भी मजा आएगा अब एक बार मंत्री अभी साथ में नहीं है ना यहाँ पर दो लोग मिले कोलैब हो रहे हैं पुलिस का उनका कोलैब है हर मंत्री के घर पे भाई साहब आप होगी पार्टी छत्ती बैठ नहीं उतरे गाड़ी रोक की तरह से भाई साहब क्या देखिए स्टाइल बाबूराव है मंत्री जी हम सीबीआई से आए हैं हमें आपके घर की तलाशी लेनी है सीबीआई तो क्या मुंह क्या के अंदर चले गए चलिए यहां से ये सीन भाई बहुत तगड़ा एक्टिंग लाजवाब सीबीआई वाले हैं सर आपके घर में रेड पड़ी है शायद अजय सर शुरू करो जी सर तुम चलो रणवीर तुम वहां जनाब कोई होशियारी करे तो बेझिझक मारना बेझिझक मारना बेझिझक मारना चलो चलो जल्दी करो कार काट दियो उनके फोन वो अंदर करवाए चलो सर जल्दी करो फोन रख फोन रख फोन रख कोई बाहर नहीं निकलेगा पकड़ा और डायरेक्शन क्या हुआ भाई साहब और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ हम बहुत कम करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें अलमारी की चाबी दीजिए कुछ देखिए मजाक मत करिए अलमारी की चाबी दीजिए उनका बुला के कुछ फायदा नहीं है चाबी दीजिए क्या हुआ सर ये अलमारी की चाबी नहीं दे रही ताला तोड़ो आप इधर आइए इनको अपना काम करने दीजिए मत तो चाबी क्या कर रहे हैं अरे देखा तूने बिठा रखे कपड़ों के नीचे बिठा रखे जी मंत्री जी की तनख्वाह तनख्वाह देखिए अलमारी में से क्या निकला है क्या निकला क्या निकला देखते हैं मुझे तो पता ही नहीं सर यह कुछ नहीं है ये तो केदार जी सो रहे हैं उनको काहे परेशान कर रहे हो कुछ नहीं है अरे हमारे आदमी का नहीं तो कम से कम केदार जी का तो लिहाज करो अरे क्या कर रहे बाप पड़ेगा चलिए जी गिरधर जी सर्वज्ञानी कुछ नहीं कहेंगे चलिए इधर हो जाइए शांति साइड हो जाओ मैडम अरे बहुत मंदिर के वहां चेकिंग रिस्पेक्ट के साथ जब दिमाग लगा के ये तो कोई खोलेगा सब अरे सर इधर भी अरे ये देख मुझे लगा गड्डिया रखी है तो बहुत गलत है नो डाउट इस मूवी की ना स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया लिखी है कुछ पता नहीं इससे डिसअपॉइंटेड है एक मिनट छोड़िए हम महिला की कमाई है इसे मत ले जाइए देखिए आप खराब कर रहे हैं मेरे कपड़े छोड़िए मुझे गुड्डू के पापा गुड्डू के पापा वैसे तो थोड़े बड़े गुड्डू के पापा के गुड्डे का पापा क्या करे गुड्डे का पापा कह रहा है भैया प्लीज ज्यादा मत लेके जाओ थोड़ा ले जाओ
मिला नहीं ना कुछ ज्यादा है। पैसा वो भी अंधा पैसा। दिमाग का 100% इस्तेमाल, छत में गाड़ रखा है, ये भी एकदम से चौकन्ना रह गया भाई। छत में से पैसे, छत में पैसे, वो कहते हैं आसमान से पैसा बरसता है, देखे बरस गया ऐसा बरसता है, लेकिन फिर मिलता नहीं है ना, वो आते हैं वैसे ले जाते हैं बरसों पैसे। भाई मतलब कि पहली बात तो वो स्टार्टिंग सीन की मस्त था, वहाँ से बहुत ही होता क्या बोला वहाँ से कि क्या मकसद है आपका, देश से साफ कर देना है, नहीं जड़ से उखाड़ना, जड़ से उखाड़ देना, आप उखाड़ेंगी मिलकर उखाड़ेंगे। जो इसमें सीरियस रोल प्ले करा अक्षय कुमार ने और अनुपम खेर ने, बहुत एकदम पूरी टीम को, जिन्होंने मूवी देखी उन्हें तो स्टोरी पता होगी, जैसे स्टोरी तो मुझे पता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कई लोगों ने देखी है तो इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया हमने खुद देखे, और ये मूवीज ऐसी है जिनको देखने में मजा आता है, क्योंकि बार क्या होता है तुम्हें स्टोरी पता, लेकिन बीच के सीन जैसे मुझे याद नहीं था बिल्कुल, भाई साहब कहाँ कहाँ कितने, और पुलिस को दिया पूरा पर्चा, अरे किसके पापा कुछ ऐसे बोल दी थी ना, ये कब लाके रखे बताए, गुड्डू के पापा, गुड्डू के पापा क्या करे, गुड्डू के पापा कमाई है मेरे पति की मेहनत, गुड्डू के पापा के तो तोड़े पड़े उस टाइम पे, भैया तुम थोड़ा बहुत ले जाओ प्लीज यार, ज्यादा मत ले जाओ, और वो तब तक भी कूल काम एंड कंपोज था जब तक की थोड़ा बहुत मिला था, जैसे ही भैया छत में मारी डंडी उसने कहा ले मिटिया पलेत हो गई, और ये चीज तो होता है देखो भैया आज के टाइम में ना, अब तो देख रही, और ये खुलासे और ज्यादा होते जा रहे हैं, वैसे रियल लाइफ में भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जो क्या काला धन ब्लैक मनी दो नंबर का पैसा, सफेद रखो सफेद टैक्स भरो मौज लो जिंदगी की, वरना ये 33% 40% बचाने चक्कर में वो थोड़े दिन तो लगता है कि हाँ, और जब वो जाता है ना, जब जो एक्चुअल इनकम होती है वो भी नहीं बचती, वो जाती है बदनामी अलग होती है, हर चीज जाती है जिंदगी से। अभी चीकू कहाँ हुआ था वो, कितना तगड़ा केस था, कानपुर का, कहाँ का भूल गया, वो इत्र वाला, इत्र का सौदागर, कितने मतलब दिन तक तो गिन ही रहे थे वो मशीन भाई। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइटर की भी तारीफ, काबिले तारीफ बनती है, जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है इस मूवी की, पूरी कहानी लिखी गई है, डायरेक्शन तो लाजवाब था ही, और बैकग्राउंड म्यूजिक जो ताबड़तोड़ चल रहा था, इतने सस्पेंस है ना इस मूवी में, इतने सारे सस्पेंस है, आई एम श्योर ये सीन आपने एंजॉय किया होगा, तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट तो फटाफट से कर दे कमेंट, नेक्स्ट पार्ट हम कल ही लेके आ जाएंगे अगर आप कहोगे तो, और फेवरेट वो भी बता सकते हो आपकी, आपको इसमें फेवरेट किरदार किसका लगता है, अनुपम खेर का या अक्षय कुमार का, मेरे को अनुपम खेर मस्त लगता है, चौटा मारना खींच के, और जब कह रहा है सर सीबीआई वाले लगता है रेड पड़ी है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।